सो यू आर गोइंग टू बाय योर फर्स्ट स्केटबोर्ड, ग्रेट, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि कौन सा स्केटबोर्ड परचेज करे या कहाँ से करे. सो आई हैव बीन स्केटिंग फॉर द लास्ट 1.5 ईयर्स, बट स्टिल आई कंसीडर माई सेल्फ एज ए बिगिनर. बट फिर भी मेरे पास जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ मैं इस वीडियो पे बोलने वाला हूँ. तो लेट्स बिगिन. तो इंडिया पे हम लोग जब भी कुछ ऑनलाइन परचेज करते हैं, फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज अमेज़न. सो चेक करते हैं अमेज़न पे स्केटबोर्ड. ओके, सो वी गेट ऑल दिस ऑप्शंस हियर. तो ये फर्स्ट पेज पे हम लोगों को जितना भी आइटम दिखाया गया है इधर, नन ऑफ दिस इज अ प्रॉपर स्केटबोर्ड. ये सब कुछ टॉय बोर्ड है. इनमें से एक भी प्रॉपर स्केटबोर्ड नहीं है. दिस आर टॉय बोर्ड्स, लाइक यू कांट डू एनीथिंग ऑन दिस. एक दिन में टूट जाएगा आप लोग अगर सही से प्रैक्टिस करोगे इसे. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू शो यू 3 साइट्स इन इंडिया जहाँ से आप लोग प्रॉपर स्केटबोर्ड परचेज कर सकते हैं. सो द फर्स्ट वन इज डिकैथलॉन. इफ यू हैव ए फिजिकल स्टोर नियर बाई यू तो आप लोग वहाँ से जाके कर सकते हो, नहीं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं. तो अभी चेक करते हैं क्या क्या बोर्ड है इधर अवेलेबल. And out of these 3, if you are a beginner, you can definitely go for this. I purchased this skateboard in 3200 few months back. So yeah, iska price drop hota rehta hai. But beginners ke liye, I'll prefer this kyunki ye bahut hi sturdy hai. Price bhi utna zyada expensive nahi. हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट नॉट लाइक टू मच. क्योंकि आप अगर एक प्रॉपर प्रो स्केटबोर्ड परचेज करना चाहते हैं, दैट कॉस्ट अराउंड लाइक 12K to 8K. इफ यू आर बिगिनर, दिस विल डेफिनेटली सर्व इट्स पर्पस. ये डिकैथलॉन का टॉप मोस्ट मॉडल है. आई हैव यूज्ड इट, मैंने भी इसको यूज़ किया है बहुत दिन तक. एंड इट कॉस्ट 6,000 रुपीज. सो ये बोर्ड भी बहुत सही है. ये 8 इंच का बोर्ड है. एंड इफ यू आर गुड विद द अमाउंट यू कैन ऑल्सो गो फॉर इट. कुछ ही दिनों में मैं भी ये बोर्ड परचेज करने वाला हूँ. सो या दिस इज ऑल्सो ए बेटर ऑप्शन. ये हुआ साइट नंबर 1. अभी नेक्स्ट साइट पे चलते हैं, दैट इज पीसो स्केटबोर्ड्स. ये साइट पूरा स्केटबोर्डर्स के लिए बनाया गया है. दिस इज कम्प्लीटली फॉर स्केटबोर्डर्स. एवरीथिंग रिलेटेड टू स्केटबोर्डिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा. लाइक स्केटबोर्डिंग का डेक से लेके, ट्रक से लेके, व्हील से लेके, मतलब सब कुछ जितना भी एसेसरीज चाहिए होगा इस साइट पे मिल जाएगा. सो इसका हम लोग स्केटबोर्ड कॉम्प्लीट्स देखते हैं क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है इधर. एंड हियर वी हैव ऑल द ऑप्शंस. लाइक ये 2 आइटम सोल्ड आउट हो चुका है बट इसका ग्राफिक्स बहुत सही है. और हियर वी हैव पीसो स्केटबोर्ड में आपको प्राइस थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर टू डिकैथलॉन बोर्ड्स. तो पीसो स्केटबोर्ड्स में पर्सनली कभी भी यूज़ नहीं किया बट जितने भी रिव्यूज़ मैंने देखा ऑनलाइन और जिन जिन लोगों से भी मैं सुना है और जो वीडियोस पे भी देखा है, आई हर्ड दैट लाइक इसका डेक और ट्रक्स बहुत ही हल्का होता है एंड मोर स्टर्डी होता है कंपेयर टू डिकैथलॉन बोर्ड्स. एंड या आई थिंक इट विल परफॉर्म रियली रियली वेल. तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू ट्राई ए पीसो स्केटबोर्ड बट अभी मेरे पास उतना ज़्यादा फंड्स नहीं है. बट इन फ्यूचर इफ आई ट्राई इट, I'll make a separate review for that. So yeah, now let's move on to the third site, that is Hollystoked. Hollystoked भी एक ऐसा साइट है which is completely based on skateboarding only. अगर आप लोगों को नहीं पता है तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ. Hollystoked is not just the e-commerce site for skateboard. ये एक organization है जो इंडिया पे स्केट सीन को बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा है. लाइक दे आर ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स और बहुत सारे स्केट इवेंट्स पे वो लोग हेल्प करते हैं. एंड दे आर ऑल्सो हेल्पिंग टू बिल्ड स्केट पार्क्स अराउंड इंडिया. सो दे आर डूइंग रियली रियली वेल टू हेल्प द स्केट सीन ग्रो इन इंडिया. तो अभी चेक करते हैं Hollystoked का स्केटबोर्ड कैसा कैसा है. एंड हियर वी हैव ऑल द मॉडल्स दैट इज अवेलेबल इन Hollystoked. बट अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम सोल्ड आउट हो चुका है. जो एक बोर्ड अवेलेबल है दैट इज दिस वन. एंड इसका भी प्राइस 7,250 है. लाइक इट्स लिटिल बिट मोर एक्सपेंसिव देन द पीसो स्केटबोर्ड्स. बट अगेन इधर आपको और ज़्यादा अच्छा बोर्ड मिलेगा. सो इफ यू कैन अफोर्ड टू बाई अ स्केटबोर्ड फ्रॉम Hollystoked, जस्ट रिमेंबर दैट यू आर ऑल्सो हेल्पिंग और कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर द स्केटबोर्ड कम्युनिटी टू ग्रो बिकॉज Hollystoked इज डूइंग सो मच फॉर द स्केटबोर्डिंग कम्युनिटी इन इंडिया. एंड लास्ट में मैं और एक बोर्ड दिखाने वाला हूँ जो सबसे चीप है बट ऑल्सो यू कैन टेक इट इफ यू आर बिगिनर.
that is this board. This is also from Decathlon, Exolo Mid 5 Tattoo White. So इस board का price है 2000 rupees, but unfortunately ये board available नहीं है online. But फिर भी looking at the pictures and all the reviews, this board also seems pretty durable. तो अगर आप cheapest option ढूंढ रहे हैं to buy a skateboard, a proper skateboard to start skateboarding, तो मैं ये suggest करूँगा. But ये online तो available नहीं है, but you can wait for it or you can search for it in other sites. This board is also pretty good. Okay, the video can kind of be like shorter information, like if you are confused about which size skateboard you should buy, like there are various different sizes in skateboard. So agar aap skateboarding pe stunts and tricks vagera sikhna chahte ho, then you would consider like a 7.75 and 8 inch skateboard. But tricks and stunts main thing nahi aapka. If you just want to ride the board and like have proper balance on it, then you can go for 8.5 or 8.25 inch boards. That's it. तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज था, लाइक शुड आई मेक दिस वीडियो, ये वीडियो लोगों का काम पे भी आएगा या नहीं. तो इफ़ दिस वीडियो हेल्प टू देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो, एंड आई कीप मेकिंग मोर वीडियोस रिलेटेड टू स्केटबोर्डिंग. तो डू सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन माई फ्यूचर वीडियोज. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू ऑन अ न्यू वीडियो. टिल देन, पीस.